फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एम्स की एक और नई वैकेंसी के बारे में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, रिक्रूटमेंट में हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हो आपकी एडवर्टीजमेंट 8/1/2022 की 22 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है और आपको इसका एप्लीकेशन लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए देख सकते हो ये वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर अपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट इवेंट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 8/1/2022 से स्टार्ट है। क्लोजर देख सकते हो 7/2/2022 को क्लोज हो जाएगा। एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल 7/2/2022 तक आप एडिट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन ये 22/2/2022 तक है और ऑनलाइन फी पेमेंट आप 8/1/2022 से 7/2/2022 तक कर सकते हैं। अब हम इसका नोटिस देखेंगे। ये आपका यहाँ पे PDF जो हमने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो। तो आपके सामने PDF खुल के आ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर की ये वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हो नंबर एम्स NGP रिक्रूटमेंट ट्यूटर 2022/1/7/2022 को ये वैकेंसी डिटेल निकली हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट एम्स नागपुर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे निकली हुई है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें पोस्ट हैं। तो ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ये पोस्ट है। पे लेवल आप देख सकते हो लेवल 10 के अकॉर्डिंग, लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स ऑफ द 7th CPC। और इसमें 17 आपकी पोस्ट रहेंगी। जनरल के लिए 9 है, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, ST के लिए 1, AWS के लिए 1 है। एज आप देख सकते हो 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो आप। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस BSc नर्सिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, BSc नर्सिंग चाहिए और रजिस्टर्ड नर्स इन मिडवाइफ विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा या सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा के साथ रजिस्टर्ड नर्स चाहिए। सेकेंड इसकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट, इसमें लिखा हुआ है कि द अब वैकेंसीज आर प्रोविजनल आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन, इनको चेंज भी हो सकती हैं। जो भी एम्स नागपुर है उनका पूरा राइट है इनको इंक्रीज या डिक्रीज करने का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट इन इंडिया पॉलिसी। द कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमाइन द मिनिमम एज लिमिट एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर प्रिस्क्राइब्ड शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और लास्ट है 4% ऑफ टोटल वैकेंसी आर हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर PWD कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द रूल्स। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, अब हम जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि क्या कौन कौन सी इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस, द एस्पिरेंट एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के थ्रू आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। आप यहाँ एम्स नागपुर की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जो एप्लीकेशन लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। द लिंक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर सेट पोस्ट अलॉन्ग विद अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विल बी एक्टिवेटेड ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन एम्प्लॉय न्यूज़ रोजगार समाचार ऑन अर्ली एज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी उससे 1 month के बाद इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा और आप एम्स की जो एम्स नागपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और बाकी की जो डिटेल है
फॉर्म फिल करने की, वो यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। और जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करोगे वैसे वैसे आपको आ जाएंगी, जैसे कि फ़ोटो इमेज कैसे वो करनी है, तो आप देख सकते हो कि साइज इसका 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर इसका भी 20 से 50 KB होना चाहिए। वैसे सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कैटेगरी वाइज मिल जाएगी। इसके बाद अगर कोई भी इसमें आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो लिंक, एप्लीकेशन लिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।